ऐसा ऐसा आड़ा टेढ़ा, बहुत मजा आएगा आज हमको गाड़ी चलाने। तो मेरा प्लान भी नहीं था, वन डे राइड नाइट में प्लान बन चुका है मेरा, गाड़ी बंद हो गई, ये प्रॉब्लम चल रही है। चलिए फिर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टाइम हो रहा है 5:30 बजे और हम निकल रहे हैं ट्रिप के लिए। गाड़ी स्टार्ट हो जाना चाहिए बस, वन किक पे गाड़ी का प्रॉब्लम चल रहा है। जब से घूम के आया हूँ, ट्रिप मार के आया हूँ 1500 किलोमीटर का, उसके बाद से गाड़ी का हालत थोड़ा डाउन चल रहा है। बैटरी डालना नहीं है, सर्विस आ गया गाड़ी पे और बहुत कुछ काम कराना है। सर्विस भी आ गया है, बैटरी चेंज करने का था तो भी निकल चुका हूँ। माय गुडनेस, रियली फर्स्ट टाइम, अभी क्या बताऊँ, फर्स्ट टाइम हो गया ऐसा मेरे साथ में कि पहले किक पे गाड़ी चालू हो चुकी है। आपको दिख रहा है तो, आपको दिख रहा होगा तो सर्विस भी आ चुका है, 18,328 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है वन ईयर में। वन ईयर हो चुका है मेरा गाड़ी का, नवंबर 24 को मैंने कुछ गाड़ी लिया था 2020 में। फॉग लाइट ऑन जो हमने कर्नाटक जाते समय लगाया हुआ था, फॉग लाइट तो ऑन हो चुका है। व्यू कैसा आ रहा है पता नहीं, एंगल क्योंकि मैं सेट नहीं किया प्रॉपर, घर से निकल रहा हूँ करके, तो जैसे उजाला होता है नॉर्मल तो फिर सेट करेंगे पूरा। अभी फर्स्ट तो जाएंगे बदलापुर से सर मिलेंगे उधर, तो मेन सर के साथ ट्रिप है। तो सर के पास है अपाची 160R, मेरा है एक्सट्रीम 160R, तो पूरा राइडिंग जैकेट फुल सेफ्टी के साथ हम जाने वाले हैं फिलहाल आज, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली बात भी नहीं है। तो अब हम जा तो रहे तामिनी घाट करके स्पॉट है, मेरे को इतना आइडिया नहीं उसके बारे में क्योंकि सर ने पूरा प्लान किया है, तो मेरा प्लान भी नहीं था, वन डे राइड नाइट में प्लान बन चुका है मेरा, गाड़ी बंद हो गई, ये प्रॉब्लम चल रही है। गाड़ी में की के करके थोड़ा बेस्ट है मुझे, नहीं तो मेरा हालत डाउन था पूरा, क्योंकि ऑलरेडी इतना ट्रिप मार के आया था, इतना खर्चा हो चुका था, उसमें बैटरी ख़राब हो गया, सर्विस आ गया। तो ये पूरा ट्रिप जो प्लान किया था मेरे सर ने प्लान किया था, तो मैं तो सिर्फ नॉर्मल मेरा गैरेज पे मैं काम करवा रहा था गाड़ी का, तो उतने में सर ने फ़ोन किया रात को नाइट में, फिर सर ने रात को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा प्लान है, आएगा क्या तू साथ में। तो मैं बोला चलिए फिर आप पर, लेकिन वन डे राइड है क्या पूछा मैंने, तो सर बोले हाँ वन डे राइड है, तो वन डे से रिटर्न आने वाला है और पूरा पैकेज उनके तरफ से ही आज का ट्रिप का, पूरा सिर्फ हमें गाड़ी लेके जाना है और अपना ब्लॉग करना है, तो इतना कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और कल गैरेज गया था मैं, तो गैरेज वाला बोल रहा है अरे भाई आपका टायर तो इतना जल्दी टकला हो गया, हो रहा है इतना जल्दी, 19,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी बोला, और वो भी वन डे वन ईयर में, तो कम नहीं है बोला, गाड़ी बहुत चल चुकी है बोला, तो वो हंस रहा था। तो यार कल ज़्यादा कुछ काम नहीं कराया, गाड़ी धुलाया थोड़ा प्रॉपर, और क्योंकि गाड़ी बहुत ही गंदा हो गया था मेरा, मैं गाड़ी धो ही नहीं रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल गाड़ी धोने, तो गाड़ी कल धोया, तो ऑयलिंग विलिंग कराया, तो जैसे ही हो गया सब प्रोसेस, तो उसके बाद सर का फ़ोन आया था कि कल जाना है राइड में, तो बोला क्या नसीब की बात है बोला, आज ही गाड़ी सर्विस का, चलो देखते फिर अभी ये ब्लॉग कैसा बनता है। और मेजर मेरे को अभी आप लोग ने इसके पहले मेरा ब्लॉग देखा रहेगा कर्नाटक का, तो आपको प्रॉपर पता चल गया रहेगा कि मेरा जो ब्लॉगिंग है पूरा वो आईफोन से शूट हो रहा है, तो व्यूज़ कैसा आते हैं या नॉर्मली है क्या, वॉइस कैसा आ रहा है, कोई मुझे फीडबैक नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ फीडबैक दीजिए कि वॉइस कैसा आ रहा है या मुझे माइक चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा बीच बीच में वो नॉइस काट लेता है मेरा, मेरे को वो समझ में नहीं आता है, तो भी चल रहा है, तो यूज़ इतना सस्ता लिया एयरफोन 200 रुपये का, तो वो चलेगा ही, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम देगा ही, तो इससे इतना इशू नहीं आ रहा मेरे को, पर लेकिन ठीक ठाक है। तो भी मुझे फीडबैक दीजिए व्यूज़ कैसा आ रहा है मेरा क्या नहीं। तो हम अभी जा रहे हैं बदलापुर सर, एक बदलापुर पे एक होटल है, वहाँ स्टे रुके हुए, ओ शिट
हाँ मोबाइल लिया, मैं बोला मोबाइल भूल भूल गया क्या दूसरा वाला, मैं तो बोला मैप अभी मैप कैसे लगा के जाऊँगा मैं। तो वो तो सर अभी सर तो बदलापुर में रुके हुए मेरा वेट कर रहे, तो हम जाते हैं अभी उधर, पेट्रोल भी भराना है गाड़ी में। सर ने रात मेरे को, आपको पता नहीं अभी अंधेरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये नॉर्मल अभी यहाँ पे मैं ब्लॉक बंद करता हूँ और मिलते हैं आपको डायरेक्ट, ज़रा उजाला होने के बाद मीन्स थोड़ा सनसेट हो जाएगा, थोड़ा उजाला होने के बाद फिर आपको मिलता हूँ सीधा, क्योंकि इधर कुछ अभी बना के ब्लॉक बना के कोई मीनिंग भी नहीं है, क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं आपको प्रॉपर फर्स्ट थिंग, तो क्योंकि मुझे पता है आइडिया है मुझे, क्योंकि आईफोन का जो नाइट विजन है, जो कैमरा की कैमरा क्वालिटी वो बेस्ट नहीं है, दिन में आप फुल एंजॉय करिए इसके साथ में, बल्कि नाइट में नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको डायरेक्ट मैं मिलता हूँ नाइट में। फर्स्ट तो मैं पेट्रोल पंप का जुगाड़ करता हूँ, पेट्रोल की तरह है क्या नहीं है। ये हम अब आ गए बदलापुर अंबरनाथ हाईवे, यहाँ से जो अपनी राइड चालू होती है हम आएंगे सीधा शाम तक घर पे, मीन्स शाम भी नहीं बोल सकते, नाइट में आएंगे। आगे तो पूरा अंधेरा है और फर्स्ट थिंग तो मुझे अभी ठंडी लग रही है, जो मुझे नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि मैं जैकेट तो मेरा वो वाला जैकेट पहना नहीं है, जाड़ा वाला जो मैं हर टाइम पहनता हूँ, क्योंकि उसमें ये जो ऊपर का जो जैकेट है वो पहनने के लिए ज़रा मुझे तकलीफ हो रहा था, तो उसके लिए मुझे जाड़ा वाला जैकेट तो पहना नहीं, क्योंकि ज़्यादा करके दोपहर को जो आफ्टरनून में मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर गर्मी से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग राइड पे नॉनस्टॉप चलने नहीं वाले, तो फिर वो रुकते 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 जाएंगे तो फिर वो गर्म होने का चांसेस बहुत है, इसके लिए फिर मैं वाला नॉर्मल नरम वाला स्वेटर पहना था। चलिए आप एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको उधर ही मिलता हूँ हाईवे पे, क्योंकि मुझे तो पूरा अंधेरा दिख रहा है तो कुछ इतना कैचअप नहीं होगा, तो बात करने के लिए भी आपको फिर आपको वीडियो देखने के लिए मज़ा भी नहीं आएगा, तो डायरेक्ट आपको मैं मिलता हूँ डायरेक्ट अभी 7 o'clock या 8 o'clock को डायरेक्टली, या जिधर हम स्नैक्स करने रुकेंगे उधर, क्योंकि उसके पहले तो सर गाड़ी रुकने नहीं देंगे, तो अभी चले फिर ट्राई करेंगे अपन उधर तक। पेट्रोल पंप तो पूरा खाली था, चलो फिर सर के पास पहुंचने के लिए और 2 मिनट है बस, फिर हम पहुंचते। अरे यार शिट, पेट्रोल भरना ही पड़ेगा, एक ही गाड़ी बचा है, 2 गाड़ी था मॉर्निंग में, मुझे लगा हो जाएगा काम, पर हुआ नहीं कुछ। देखो ऑलरेडी सर आके खड़ा है, यस पेट्रोल भरा लगल काल, मतलब गाड़ी पूछता है जूता जूता टाइम डाला, हमारे सर भी रेडी है पूरा गोबरों के साथ। चलो चलिए फिर सर के साथ तो मिलना हो गया, सर ने भी गोप्रो लगा दिया है उनका, ऐसा उनका ऐसा कोई यूट्यूब चैनल तो नहीं है, और उनको बहुत शौक है गाड़ी पे घूमना और शूट करना, उन्होंने अब भी रिसेंट में राइडिंग जैकेट लिया हुआ है उन्होंने, राइडिंग सिंस 1922 TVS इनका जैकेट लिया हुआ है, तो लुक तो सही लग रहा है एकदम उनको देख के, तो मैं भी यही लेने वाला हूँ आने वाले टाइम पे, तब तक इसी अपना नॉर्मल जैकेट पहन के चलाना है काम। चलिए फिर मिलते डायरेक्ट मॉर्निंग में, मीन्स 7 or 8 o'clock को मिलते हैं अभी सीधा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KK मिक्स कंटेंट, और सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज का डे है संडे, फनी जोक था, चलिए फिर गुड मॉर्निंग सुना। It's not a game, sir.
टाइम हो रहा है 7 o'clock, मतलब 6:56 हो चुका है, 7 o'clock ही पकड़िए। तो हम करजत क्रॉस हो चुके हैं ऑलरेडी, करजत का क्रॉस हो गया है और मेरा एंगल कैमरा का बैठ नहीं रहा प्रॉपर, तो सर आगे निकल चुकी है, आगे निकल गए हैं। तो मैं थोड़ा गाड़ी को लेता हूँ स्पीड में और ग्लव्स निकाल जा करके, ठंडी लग रहा है फिलहाल तो। पुना ऑन मार लेना, हाँ हो तो ये हमारे प्रतीक सर, मुझे एंगल को समझ में नहीं आ रहा है कैमरा का, ये ठंडी की वजह से ना मेरा को मेरा माइंड कुछ काम नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे ज़्यादा ही ठंडी लग रहा है। तो और मैंने कैमरा का मोबाइल का वो क्या बोलते हैं उसको थ्रेड भी उस तरफ रख दिया हूँ मैं, तो उसके लिए बिल्कुल डर लग रहा है कि हाथ भी लग जाएगा तो निकलने का चांसेस है। देखेंगे एक जगह रुकेंगे जब स्नैक्स खाने के लिए, तब देखेंगे क्या होता है। एंजॉय करिए मेरे राइड को और सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है मेरे लैंग्वेज में, मेरे बात में, या क्या गोप्रो कैमरा शूट में तो होगा प्रॉब्लम, जब तक गोप्रो मैं खरीदता नहीं हूँ तो भी आप मुझे फीडबैक देते चलिए कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना है, क्योंकि मुझे आप लोग का फीडबैक बहुत ज़रूरत है, क्योंकि स्टार्टअप करने वाले पर्सन के लिए आपका फीडबैक, नए सब्सक्राइबर और उनके फीडबैक आते रहेंगे तो बहुत सही लगता है कि मोटिवेशन भी बढ़ता है और आपके फीडबैक से मेरे को सीखने का मौका मिलता है। तो आप फीडबैक दीजिए ऐसा लगता है मेरा वीडियो और मुझे क्या क्या मेन मेन आपको नोटिस कराना चाहिए, या एंगल में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या कुछ सीट मेरा मीटर वीटर दिखता तो है ही नहीं ऐसे ही कि गाड़ी कितने स्पीड में चल रहा है, क्या चल रहा है कुछ भी पता नहीं चलता। सर तो बोल रहे मैप भी लगाने का कुछ इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको सब पता है बोल रहे रोड, तो भी मैंने सर बोल रहे मैप मत लगाओ, चार्जिंग वेस्ट मत करो, करेंगे मुझे सब रोड पता है करके बोल रहे, तो उनके पीछे पीछे जाएंगे। और वो क्या इतना नॉर्मल से जाएंगे नहीं, ज़्यादा हाईवे लग जाएगा उनको, वो तो वैसे भी ज़्यादा स्पीड चलाते हैं, उनका तो नॉनस्टॉप 80, 90, 100 के रेंज में गाड़ी चलती है। तो क्या जब सर के साथ भंडारवाड़ा डैम पे गए थे तभी भी सर ये सब प्रति तो अब हम मुंबई लोनावाला रोड पे पहुंच चुके हैं, मुंबई लोनावाला हाईवे रोड पे। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे पूरा ठंडी ज़्यादा लगने की वजह से हाथ पूरा ढीला गिर गया। तो फिलहाल तो अभी हम पहुंच गए वो अपना लोनावाला रोड पे, जो हाईवे जो मुंबई को जो कनेक्ट होता है वो वाले रोड से, जो करजत वाला रोड है वो छोड़ दिया हमने। तो अभी आएगा खोपोली, फिर खोपोली से फिर लोनावाला खंडाला घाट एक्सप्लोर करेंगे वंस मोर, जो इसके पहले भी एक्सप्लोर कर चुके हैं हम। कब एक्सप्लोर किए थे मुझे जितना याद आ रहा है, अभी कोल्हापुर का जो ट्रिप मारा था, कर्नाटक का ट्रिप मारा था, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लोर किया था। तो मेजर अपन को बहुत लंबा जाना है, आके जाके 400 किलोमीटर कुछ रनिंग है, जैसे कि मैं बोला था आपको सर वो जाएंगे स्पीड में, तो उनका राइडिंग चालू हो चुका है, तो मैं भी अभी मोबाइल ज़रा रख देता हूँ अंदर और थोड़ा लेता हूँ रोड का मज़ा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद निकला हूँ हाईवे पे, एक महीने के बाद जो कर्नाटक ट्रिप मार के आने के बाद 1 month हो गया है, उसके बाद आज निकला हूँ। चलिए लोनावाला चढ़ते हुए आपके साथ,
चलिए फिर खोपड़ी पहुंच चुके हैं हम, थोड़ा मोबाइल का सेटिंग करने का था कर दिया आपने। मेरा इसके पहले वाला जो लोसी ओनली फॉर लोनावला ट्रिप देखा रहेगा, तो मेरा इधर गोप्रो का मतलब गोप्रो बोल रहा हूँ, जो गोप्रो का ऊपर का जो सेटअप होता है इधर ही टूट गया था पूरा। तो उसके बाद मैं जुगाड़ कर रहा था तो कुछ जुगाड़ हुआ नहीं, तो मोबाइल खीसे में रख के शूट करते हुए गया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा रहेगा तो लोनावला ट्रिप पर जाके देख लीजिए, इधर ही मेरा मोबाइल गिरते गिरते बच गया था। तो यहाँ से कुछ खंडाला घाट मेजर चालू होता है, तो जो कोई आता तो एकदम संभाल के गाड़ी चलेगी। माय गुडनेस, हवा इतना जोर का आया पूरा गाड़ी हिल गया मेरा। गो स्लो मीन्स वारा चालू आए, वारा मतलब हवा इतना जोर का आ रहा है ना कि गाड़ी पूरा वन साइड जा रहा है। और मेरा वेट क्या है, मेरा वेट 40, 48, 50 भी नहीं है, जो मेरा गाड़ी मेरा वेट ले गया तो भी गाड़ी हिलेगा नहीं, गाड़ी तो हिल रहा है फुल एकदम। तो गणपति अप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, श्री मिलार लिंगनी कोट गे, ओम शिवाय नमः। चलिए फिर खंडाला घाट जो हो चुका है शुरू, तो एटम अपने पास चेंज नहीं था तो नहीं तो मैं चेंज उड़ाते हुए जाता हूँ। मेरी गाड़ी का एक ही प्रॉब्लम है जो है ये घिरनी, क्या बोलते उसको, स्लीपर क्लच नहीं है, तो करके मेरे को गाड़ी टर्न मारते समय बहुत स्लो लेके गाड़ी टर्न मारना पड़ रहा है। नहीं तो मैं जब अपाची लेके ये गाड़ी पे निकला था 200 जो लेटेस्ट मॉडल था, तो स्लीपर में वो गाड़ी फुल भगाता है, मतलब स्लीपर क्लच नहीं है ना तो गाड़ी एकदम स्लो हो जाता है जगह पे, तो गाड़ी स्लो होने की वजह से मूड एकदम उतर जाता है गाड़ी भगाने का। बहुत बड़ा गलती किया मैंने अभी, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने वो ट्रक के साइड से गाड़ी निकाल दिया गड़बड़ गड़बड़ में। तो मेजर हम वापिस आ चुके हैं पॉइंट पे, जो अभी हम रुकेंगे थोड़ा शूट करते हैं। उड़ा था हमको अपन डायरेक्ट, जब मैं मीन्स हम जब कोल्हापुर जब निकले थे तो ये पूरा जो एरिया है ये पूरा बादल से ढका हुआ था, तो इतना कुछ प्रॉपर नहीं दिख रहा था। तो ए माय गुडनेस, क्या हवा आ रहा है यार, पूरा ये हो जा रहा है, मेरा गाड़ी वन साइड चला जा रहा है। तो हम यहाँ तो नहीं रुक रहे, डायरेक्ट टॉप पे जाके रुकेंगे, तो सॉरी सर ने रुका दिया इधर ही। हाय फ्रेंड्स, वेलकम, हम अब पहुंच चुके हैं लोनावला घाट, तो सभी फिलहाल और थोड़ा और थोड़ा देर आगे जाके हम रुकेंगे, जो स्नैक्स खाने के लिए फिलहाल तो ये पूछेगा सीन के लिए फोटोज शूट करने के लिए रुके थे, तो वॉइस थोड़ा कम आएगा और एयर का हवा बाजू का पूरा आ रहा है, क्योंकि आपको मेरा बाल उठते हुए दिख रहा है, तो पूरा एकदम हवा एकदम सुपर आ रहा है, जिससे गाड़ी भी तो जितना होगा उतना जल्दी यहाँ से निकलेंगे और स्नैक्स करने रुकेंगे, क्योंकि बहुत लंबा जाना है, 400 से 800
500 किलोमीटर है कुछ तो राइड अपना टोटल, तो इसमें जो हेल्प अभी जो पूरा प्लान करने वाला जो है हमारे साथ रहने वाला पूरा प्लान जिनने किया है लाइन से फिर हम ये लोनावला के टॉप पे पहुंच चुके हैं। सर को लेट पे खड़ा है, वो उसका आइडिया समझ में नहीं आ रहा है। और गाड़ी तो इतनी अच्छी अच्छी देख के ना पूरा मन भर एकदम खुश हो गया मेरा, क्योंकि सब ए टू जेड डोमिनो सब ए टू जेड BMW एडवेंचर, क्या क्या गाड़ी था, सुपर यार, एकदम दिल को छू गया गाड़ी देख के। अब हम पहुंच गए लोनावला लेक, जो एकदम सुपर दिख रहा है मुझे तो। तुम्ही वरती थांबले ना तिथं बेनेली अभी हम साढ़े मिसल पे रुक के मिसल पाओ जूस सब रेडी हो चुके हैं, तो यहाँ से कुछ गूगल मैप पे अराउंड 2 आवर्स दिखा रहा है, तो भी हम 2.5 आवर लगेगा मिनिमम जाने के लिए। तो इसे वीडियो एंजॉय करने के लिए लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और इधर आके मिसल खाते रहिए। सुंदर सा व्यू आ गया जैसे स्नैक्स करके हम निकले तो लेके बहुत बड़ा लेके
इतनी बार लोनावाला आके गया पर कभी सोचा नहीं कि ये रोड पे जाऊँ या इसके आगे क्या है देखूँ करके। तो लेकिन यहाँ पे आने के बाद फूल नज़ारा जो मुझे देखने मिला है ना सुपर मिला एकदम। चलिए फिर लोनावाला से निकल रहा हूँ, लोनावाला से निकल गए। तो लोनावाला से जब एक अंदर टर्न जाता है, लोनावाला से एक अंदर टर्न जाता है स्टेशन के लिए, उसके तरफ एक लेक लगता है, तो उधर रुके थे हम लोग सर और मैं, तो थोड़ा एंजॉय किए, फ़ोटो वीडियो निकाले। तो अभी नॉन स्टॉप जाने का प्लान है, तो नॉन स्टॉप ही जाएंगे क्योंकि 60-70 किलोमीटर है, तो शाम तक रिटर्न भी आना है घर पे। और ठंडी लग रही है अभी भी तो, और मेरा पीछे का ब्रेक काम नहीं कर रहा यार, बहुत गुस्सा हो रहा है। और जो मैप पे मुझे रास्ता दिख रहा है ऐसा 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 आड़ा टेढ़ा, बहुत मजा आएगा आज हमको गाड़ी चलाने, जो हमें चाहिए वही हमें मिल रहा है। चलिए फिर आगे मिलता थोड़े देर के बाद। गाड़ी बहुत स्लो चलाना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि उधर का जो टर्निंग आ रहा है ना मुझे बहुत एकदम डेंजरस आ रहा है, मेरे सब गाड़ी से वांग पे आ रहे हैं ऐसे लग रहे, तो बहुत स्लो ही चलाना पड़ेगा। सर जो बोल रहे थे वही करना पड़ेगा, 50 नॉर्मल स्पीड रख के ही चलना पड़ेगा कि मैप पे जो टर्न ऐसा दिखा रहा है उस पर मैं कुछ पता नहीं चल रहा था ज़्यादा, लेकिन जो एक्चुअल में टर्न मार रहा हो तो वो पता चल रहा है कि डिफरेंस मैप का और एक्चुअल में क्या हो रहा है। हम आज तक सिर्फ लोनावाला घाट तक ही सीमित थे, पर लेकिन लोनावाला के आगे जो आया हूँ तो अभी जो टर्न्स मेरे को गूगल पे दिख रहा है बहुत डेंजरस दिख रहा है, देखेंगे कैसा हो रहा है क्योंकि एकदम अलग ही दिख रहा है, एकदम जगह पे टर्निंग है, क्या क्या रियली यार बहुत मज़ा आ रहा है मेरे। और मैं क्या बोलूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ठंडी से ना मेरे को बहुत ये हो रहा है, ठंडी लग रहा है इतना धूप होने के बाद भी। ये कौन सा घाट, घाट का नाम क्या है क्या पता, घाट का नाम लिखना पड़ेगा मेरे को। यार ये सुपर बाइक बघू ना कसं दिसतं ते, तो अभी हम रिटर्न जा रहे टायगर पॉइंट करके, वो देख लेता हूँ। मैं भी अभी फर्स्ट टाइम आया इस तरफ में तो। क्या बोला
साल से। तो हम अभी टाइगर पॉइंट से निकल गए, सर थोड़ा आगे चला गया है, तो सेटिंग करने तक सर एकदम सुसाइड से आगे जा चुके हैं। चला